बच्चों नमस्कार। आज लेक्चर 17 में हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस, मतलब अभिजीय फलनों का समाकलन, मतलब ऐसे फलन जो बीजी नहीं हैं। तो पहले तो हम बीजी फलनों की परिभाषा देख लें कि द फंक्शन, मतलब इस प्रकार के फलन जिनको कि हम अभी आपको बता रहे हैं, द फंक्शन y इक्वल एफ एक्स ऑफ द फॉर्म पी जीरो एक्स वाई रेस टू एन प्लस पी वन एक्स वाई रेस टू एन माइनस वन प्लस एंड सो ऑन पी एन माइनस वन एक्स इंटू बाई प्लस पी एन एक्स इक्वल जीरो आर कॉल्ड एन अलजेब्रिक फंक्शन, आर कॉल्ड एन अलजेब्रिक, मतलब बीजी फलन इनको हम कहते हैं। मतलब जो नंबर वन है, इक्वेशन नंबर वन में जो भी इस फॉर्म में जो भी समीकरण होंगे उन्हें हम बीजी फलन कहेंगे, जहाँ की पी जीरो एक्स पी वन एक्स एंड सो ऑन पी एन एक्स आर पॉलिनोमियल्स इन एक्स एंड एन इज ए पॉजिटिव इंटीजर, जहाँ की एन धन पूर्णांक है तथा पी जीरो एक्स पी वन एक्स एंड सो ऑन पी एन एक्स एक्स में बहुपद है। बहुपद आपको हमने पहले बताए हुए हैं, फिर से यहाँ रिकॉल कर देते कि बहुपद हम किन्हें कहते हैं, पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल जैसे इज कोई भी फंक्शन आपने लिया, मान लीजिए फाइव एक्स लिया, फाइव एक्स को यदि हमने लिखा ए ज़ीरो एक्स प्लस ए वन एक्स सॉरी ए ज़ीरो प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन ए रेस टू ए एन एक्स रेस टू एन, इस फॉर्म में जो भी होंगे आर कॉल पॉलिनोमियल्स इन एक्स ए ज़ीरो ए वन ए टू एंड सो ऑन ए एन आर कॉन्स्टेंट्स अचर हैं। तो देखिए, यदि हम पी जीरो एक्स पी वन एक्स एंड सो ऑन पी एन एक्स जिन सभी को हम पॉलिनोमियल कह रहे हैं और उन सभी की वैल्यूज मिलेंगी, तो वैल्यूज हम रखते हैं तो आपके नंबर वन में एक्स और वाई की पॉजिटिव पावर्स होंगी, धनात्मक घातें होंगी। तो ऐसे समीकरण को हम बीजी फलन कहते हैं, बीजीय फलन कहते हैं। और जो बीजी फलन नहीं है, मतलब जिस प्रकार के समीकरण नहीं होंगे, दे ऑल आर कॉल्ड ट्रांसडेंटल फंक्शंस, उन्हें हम अभिजी फलन कहते हैं। जैसे सम टाइप ऑफ ट्रांसडेंटल फंक्शंस आप देख सकते हैं, बीजी जो बीजी फलन नहीं है, जैसे जितने भी सर्कुलर फंक्शन हैं, नंबर वन सर्कुलर फंक्शन आर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ये बीजी फलन नहीं है, इसे हम अभिजी कहेंगे। इसलिए जैसे आपका साइन एक्स है, कॉस एक्स है, एक्सेट्रा, ये सभी आपके अभिजी फलन हैं। नंबर टू, अब आप देखेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जैसे साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स एक्सेट्रा, ये सभी जो हैं आपके अभिजी फलन है, जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन चरघातांकी फलन जैसे ए रेस टू एक्स है, ये भी आपका अभिजी फलन है। लॉगरिथमिक फंक्शन है, वो भी अभिजी फलन है। हाइपरबोलिक फंक्शंस हैं जो हमने पहले बात की है, और इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन है, ये सभी अभिजी फलन हैं।
तो इन सब के इंडिकेशन के संबंध में इस चैप्टर में हम विस्तार से बात करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ लेते हैं साइन रेस टू एन एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ साइन रेस टू एन एक्स केस वन, इंटीग्रेशन ऑफ साइन रेस टू एन एक्स आप वेयर एन इज एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर, जहाँ की एन कोई भी विषम धन पूर्णांक है। विषम धन पूर्णांक है से एन इक्वल टू एम प्लस वन, जहाँ की एम पॉजिटिव इंटीजर है, एम बिलोंग्स टू आई प्लस पॉजिटिव इंटीजर मीन्स वन थ्री सॉरी वन टू थ्री एक्सेट्रा आर कह सकते हैं नेचुरल नंबर है। तब इस केस में एन आपका जो भी वैल्यू हम एन को रखेंगे वन टू थ्री एंड सो ऑन, एन आपको हमेशा ऑड मिलेगा। तो ऐसे केसेस में आप मान लीजिए आपका इंटीग्रल है आई इक्वल इंटीग्रल साइन रेस टू एन एक्स साइन साइन रेस टू एन एक्स डी एक्स, जहाँ की हम इसको कहते हैं समाकल्य, मतलब इंटीग्रैंड जिसे हमें इंटीग्रेट करना है। तो आपका इंटीग्रैंड है साइन रेस टू एन एक्स। ऐसे केसेस में आप देखेंगे आई इक्वल साइन रेस टू एन एक्स डी एक्स, इसको लिख सकते हैं हम साइन रेस टू टू एम प्लस वन इंटू एक्स डी एक्स इक्वल साइन रेस टू टू एम एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स। अब हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स इज साइन एक्स डी एक्स, तो यहाँ हमें सब्स्टिट्यूशन ले लेना चाहिए कि पुट कॉस एक्स इक्वल टी, तो दिस इंप्लाइज माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल डी टी। प्रैक्टिकल पर्पजेस में हम इंटीग्रेशन में डी एक्स को अलग अलग लिख लेते एक साइड और डी टी को अलग, तो इसको हमने डिफ्रेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो कॉस एक्स डिफरेंशियल माइनस साइन एक्स डी एक्स और टी का इंटीग्रल टी का डिफरेंशियल डी टी। ये वैल्यूज आप यहाँ रख दीजिए, तो ये है आपका साइन स्क्वेयर होल रेस टू एम है। इसको कैसे भी लिख सकते हैं साइन स्क्वेयर होल रेस टू एम इंटू साइन एक्स डी एक्स। अब यहाँ वैल्यूज रख दीजिए साइन एक्स क्या है, इनफैक्ट साइन स्क्वेयर है आपका वन माइनस कॉस स्क्वेयर आर वन माइनस टी स्क्वेयर, ये मिला आपको वन माइनस टी स्क्वेयर होल रेस टू एम इंटू माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल डी टी। दिस इज माइनस डी टी आर माइनस ऑफ वन माइनस टी स्क्वेयर होल रेस टू एम इंटू डी टी। अब ऐसे ही आप पहले एक्सपांड कर लें बाइनोमियल से और इंटीग्रेट कर दें, तो बाइनोमियल से एक्सपांशन भी आपको चलिए यहाँ दिखा देते हैं। दिस इज माइनस इंटीग्रेशन ऑफ वन रेस टू एम माइनस एम सी वन, एम सी वन वन रेस टू समथिंग इज वन, सो टी स्क्वेयर प्लस एम सी टू टी रेस टू फोर प्लस एंड सो ऑन प्लस फाइनली माइनस वन रेस टू एम टी रेस टू टू एम दिस इज डी टी। ओके सो दिस इज माइनस वन आर माइनस इज कॉमन, इंटीग्रेशन ऑफ वन इज टी माइनस एम सी वन, इंटीग्रेशन ऑफ टी इज टी क्यू बाई थ्री प्लस एम सी टू, इंटीग्रेशन ऑफ टी इज टी इज टू फाइव बाई फाइव माइनस अल्टरनेट, चूँकि नेगेटिव पॉजिटिव है तो यहाँ भी हम माइनस लिखेंगे और यहाँ भी माइनस लिखेंगे सेंड सो वन प्लस
माइनस वन रेस टू एम इंटीग्रेशन ऑफ टी रेस टू एम, टी रेस टू टू एम का इंटीग्रल टी रेस टू टू एम प्लस वन अपॉन टू एम प्लस वन। अब यहाँ टी को आप, पुट टी इक्वल थी, पुट टी इक्वल हमने लिया था कॉस एक्स एंड गेट द आंसर। टी इक्वल कॉस एक्स रख देंगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। यदि केस टू इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स टू एन एक्स एंड एन इज ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, सेम प्रोसेस इसके लिए भी कि आप एन इक्वल टू एम प्लस टू एम प्लस वन लीजिए, फिर एक कॉस एक्स निकल आएगा, साइन एक्स कॉस एक्स किसका इंटीग्रल है साइन एक्स का, तो साइन एक्स को टी ले लेंगे। देख लीजिए फिर से देख लीजिए कि एम इक्वल सॉरी एन इक्वल सेम प्रोसेस जैसे हमने साइन के लिए अप्लाई किया था एन इक्वल टू एम प्लस वन। तो यहाँ से देखिए कॉस एस टू टू एम प्लस वन चूँकि एन ऑड है सो दिस डी एक्स इक्वल कॉस रेस टू टू एम एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। यहाँ यह महत्वपूर्ण है देखना कि कॉस एक्स किसका इंटीग्रल है, जिस इंटीग्रल आप सॉरी कॉस एक्स डिफरेंशियल है साइन का, ये महत्वपूर्ण है। तो यहाँ साइन एक्स को टी ले लेंगे हम, ओके सो इट कैन बी रिटन एज कॉस स्क्वायर एक्स होल रेस टू एम इंटू कॉस एक्स डी एक्स। तो साइन एक्स डिफरेंशियल कॉस एक्स डी एक्स एंड डिफरेंशियल ऑफ टी इज डी टी, तो इसे ही लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर इज वन माइनस साइन स्क्वायर होल रेस टू एम इंटू कॉस एक्स डी एक्स इज डी टी। इसे भी आप एक्सपांड कर दें बाइनोमियल से, और इसको जैसे केस वन में हमने किया है इंटीग्रेट, वैसे हम इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। अब केस थर्ड, यदि मान लीजिए इवन नंबर है, एन जो है इवन पॉजिटिव नंबर है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन रेस टू एन एक्स डी एक्स व्हेन एन इज एन एन इज एन इवन पॉजिटिव इंटीजर, इवन पॉजिटिव इंटीजर दैट इज टू फोर सिक्स एंड सो ऑन। तो इसमें दो केसेस होंगे, इफ एन इज वेरी स्मॉल और इफ एन इज लार्ज। व्हेन एन इज स्मॉल, एन छोटा है, मान लीजिए एन की एन इक्वल टू है फोर है सिक्स है एटसेट्रा, तो यहाँ पर जैसे साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं आप वन माइनस कॉस टू एक्स बाई टू, साइन रेस टू फोर एक्स लिख सकते हैं आप वन माइनस कॉस टू एक्स बाई टू होल स्क्वायर। ये वैल्यूज रख के आप फिर आपको जैसे कॉस स्क्वायर मिलता है तो कॉस स्क्वायर टू एक्स के लिए या कॉस स्क्वायर एक्स के लिए लिख सकते हैं वन प्लस कॉस टू एक्स बाई टू। ये सभी लेक्चर वन में हमने फार्मूले निकाले थे। तो ये रखने के बाद टर्म बाई टर्म आप इंटीग्रेट कर लेंगे। केस बी, व्हेन एन इज लार्ज, व्हेन एन इज लार्ज, एन मान लीजिए बड़ा है, तब हमें वहाँ डी मोरगन थ्योरम की हेल्प लेनी पड़ेगी। डी मोरगन थ्योरम आपने पहले भी मैंने इसकी बात की है कि इसकी सहायता से हमने सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में भी कुछ प्रॉब्लम्स किए थे। ये ट्रिग्नोमेट्रिक थ्योरम है, इसको फर्स्ट पेपर में भी हम पढ़ेंगे, डी मोरगन थ्योरम या डी मोरगन का प्रमेय। ओके इसको फिर से हम रिकॉल करा देते हैं, एन इज नेचुरल इंटीग्रल और फ्रैक्शनल फॉर एन बिलोंग्स टू, एन यदि प्राकृतिक संख्या है पूर्णांक है या परिमेय संख्या है तो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होल रेस टू एन इज कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा। केवल आपको इतना स्टेटमेंट याद रखना है कि यदि कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा
मतलब बीच में पॉजिटिव साइन है, प्लस आई है दोनों पदों के बीच में, और कोसाइन एंगल है स्ट्रिक्टली, और एंगल थीटा है मतलब इक्वल एंगल है, तो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होल रेस्ट टू एन इक्वल होगा कॉस एन इंटू थीटा प्लस आई साइन एन इंटू थीटा। देखिए कॉस की पावर यदि एन है तो एक अलग केस बनता है, और कॉस एन इंटू थीटा है तो सिंपल केस होता है इंटीग्रेशन के रिस्पेक्ट में, इसलिए डी मोरगन थ्योरम की भी यहाँ बड़ी हेल्प मिलती है हमें। सो ऐसे केसेस के लिए जब एन बड़ा है डी मोरगन थ्योरम हम अप्लाई करेंगे। सो लेट बाई इक्वल कॉस एक्स प्लस आई साइन एक्स। अब देखिए वाई इनवर्स आप आसानी से निकाल सकते हैं, वाई इनवर्स दैट इज वन अपॉन वाई इज कॉस एक्स प्लस आई साइन एक्स होल रेस टू माइनस वन। माइनस वन को हम एंगल से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स को माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो डी मोरगन थ्योरम से होगा कॉस ऑफ माइनस एक्स प्लस आई साइन ऑफ माइनस एक्स। कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा, वेयर इज माइनस साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। तो आपको वन अपान वाई भी मिल गया, और यहाँ से एन है वाई इज टू एन, दिस इज कॉस एक्स प्लस आई साइन एक्स होल इज टू एन। सो बाई डी मोरगन इट इज कॉस एन एक्स, एंगल को एन से मल्टीप्लाई कर दीजिए प्लस आई साइन एन एक्स। ओ यदि आपको सिमिलरली इसी प्रकार से वाई इज टू माइनस एन आर वन अपॉन वाई इज टू एन, देखिए दोनों में अंतर क्या है, एन की जगह माइनस एन है तो एन को रिप्लेस कर दीजिए, कॉस ऑफ माइनस एन एक्स इज कॉस एन एक्स, कॉस माइनस थीटा इज कॉस थीटा, बेयर साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन एन थीटा। तो यहाँ से देखिए आप नंबर वन और इसको आप दे दीजिए नंबर वन, इसे दे दें नंबर टू, इसको दे दें नंबर थ्री, और इसको दे दें नंबर फोर। तो यहाँ से आप देखेंगे कि फर्स्ट प्लस सेकंड इम्प्लाइज वाई प्लस वन अपॉन वाई इज टू कॉस एक्स। फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दीजिए, फर्स्ट है आपका वाई इक्वल कॉस एक्स प्लस आई साइन एक्स, और सेकंड है वन अपॉन वाई इक्वल कॉस एक्स माइनस आई साइन एक्स। तो जो से आपको लगा वन प्लस वाई प्लस वन अपॉन वाई इज टू कॉस एक्स, एंड वाई माइनस वन अपॉन वाई, दोनों को माइनस कर दें तो ये मिलेगा टू आई साइन एक्स, इसलिए हमने यहाँ लिख दिया वन प्लस माइनस सेकेंड इम्प्लाइज। इसी प्रकार थर्ड प्लस फोर्थ ऐड करेंगे तो वाई एस टू एन प्लस वाई एस वन अपॉन वाई एस टू एन इस टू कॉस एन एक्स, और यदि सब्ट्रैक्ट कर देंगे दिस इज थर्ड माइनस फोर्थ इम्प्लाइज वाई एस टू एन माइनस वन अपॉन वाई एस टू एन इज टू आई साइन एन एक्स। ये डी मोरगन की हेल्प से आपको इनकी पावर्स मिली। अब जिसे भी आपको इंटीग्रेट करना है, साइन की पावर एन को इंटीग्रेट करना है या कॉस की पावर एन को इंटीग्रेट करना है, तो मान लीजिए हमें साइन की पावर एन को इंटीग्रेट करना है यहाँ, सो देयरफॉर टू आई साइन एक्स। मान लीजिए ये इक्वेशन नंबर है आपका फिफ्थ, तो फिफ्थ इम्प्लाइज इसको हम देयरफॉर हटा देते हैं कि फिफ्थ इम्प्लाइज टू आई साइन एक्स होल रेस टू एन इक्वल y माइनस वन अपॉन वाई होल रेस टू एन। सो दिस इम्प्लाइज टू रेस टू एन आई रेस टू एन साइन रेस टू
एन एक्स इक्वल, ये फिर से याद दिलाते हैं, हम तभी अप्लाई करेंगे जब एन इवन है एंड एन इज़ वेरी लार्ज, एन बहुत बड़ा है, तो इसका बाइनोमियल से एक्सपांड कर लें। सो दिस इज वाई एस टू एन माइनस एन सी वन वाई एस टू एन माइनस वन इंटू वन अपॉन बाई प्लस एन सी टू वाई एस टू एन माइनस टू इंटू वन अपॉन वाई स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, फाइनली माइनस वन रेस टू एन। अब चूंकि एन इवन है तो इसलिए माइनस वन रेस टू एन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि एन इवन है इसलिए लास्ट सम आपको मिलेगा प्लस वन अपॉन बाई रेस टू एन, इसके पहले का एन सी एन माइनस वन वाई रेस टू वन इंटू वन अपॉन बाई रेस टू एन माइनस वन, इसके पहले भी आप देखना चाहें तो एक और देख लीजिए एन सी एन माइनस टू वाई इज टू टू इंटू वन अपान वाई इज टू एन माइनस टू। इसको हम कंबाइन कर सकते हैं कि आप देखेंगे कि फर्स्ट टर्म वाई इज टू एन है और सेकंड टर्म है वन अपान वाई इज टू एन। ओके, अब यहाँ पर एन सी वन इक्वल्स, आप जानते हैं कि एन सी आर इक्वल एन सी आर माइनस वन, सॉरी एन सी आर इक्वल एन सी एन माइनस आर, तो इससे क्या मिलेगा आपको एन सी वन इक्वल एन सी एन माइनस वन। ये सब इस टाइप के जो हमने आपको फॉर्मूले उस समय भी देखे थे फर्स्ट सेकंड लेक्चर्स में, इनको कुछ प्रूफ भी मैंने कहा थे, तो आप आसानी से इसको प्रूफ भी कर सकते हैं कि एन सी आर इक्वल एन सी एन माइनस आर कैसे है। डेफिनेशन इसकी आपको मालूम है, मैंने स्वयं भी लेक्चर वन टू में डेफिनेशन दी थी। तो माइनस आप यहाँ से कॉमन ले लेंगे, एन सी वन बाई की पावर हुई एन माइनस टू, देखिए वाई इज टू एन माइनस वन है देन वाई वन अपन वाई है, तो ये हुआ आपका वाई इज टू एन माइनस टू। और सेकेंड लास्ट टर्म देखेंगे आप, यहाँ पर वाई की पावर वन है न्यूमेटर में और डिनोमीटर में वाई की पावर एन माइनस वन, तो ये मिला आपको वन बाई वाई इज टू एन माइनस टू प्लस इसी प्रकार से एन सी टू। थर्ड टर्म में देखेंगे यहाँ आपकी वाई की पावर एन माइनस फोर है, और लास्ट से थर्ड टर्म यहाँ वाई की पावर डिनोमीटर में एन माइनस फोर है प्लस एंड सो ऑन। फाइनल टर्म एन के ऊपर डिपेंड करेगा, तो जैसा होगा एन को हम लिख लेंगे तो इक्वल्स टू, अब देखिए बाई एन प्लस वन अपान वाई इज टू एन, ये आपने निकाला है इक्वेशन नंबर थर्ड प्लस फोर से लेट इट फिफ्थ, तो बाई फिफ्थ ये हुआ टू कॉस एन एक्स माइनस एन सी वन। अब यहाँ इसी फिफ्थ में एन को रिप्लेस कर दीजिए एन माइनस टू से, तो इसकी वैल्यू मिल जाएगी, दोनों का सम मिल जाएगा, सो दिस इज टू सॉरी इंटू है इंटू इंटू टू कॉस एन माइनस टू एक्स प्लस एन सी टू टू कॉस एन माइनस फोर एक्स प्लस सॉरी माइनस एंड सो ऑन। तो अब आप देखेंगे राइट हैंड साइड में जो है कॉस एन एक्स है या ये है, इनका इंटीग्रेशन बहुत आसान है, तो इंटीग्रेट बाई इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स, यहाँ आपने देखा था टू इज टू एन आई इज टू एन साइन इज टू एन एक्स, सो दिस इम्प्लाइज ऑन इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन ऑफ साइन एन एक्स डी एक्स टू इज टू एन और आई एस टू एन, इनको राइट हैंड साइड में हम डिवाइड कर देंगे, और इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एन एक्स इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एन एक्स, ये आपको मालूम है, तो ये आप तो इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। ओके, सो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एन एक्स इज साइन एन एक्स बाई एन और टू मल्टीपल है माइनस एन सी वन इंटू टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस इज अगेन साइन
एन माइनस टू एक्स बाय एन माइनस टू प्लस एन सी टू टू इंटीग्रल ऑफ कॉस एन माइनस फोर एक्स दिस साइन एन माइनस फोर इंटू एक्स बाय एन माइनस फोर एंड सो ऑन। तो जब भी एन बड़ा है इसकी पावर इवन है तो आप देखते हैं इवन पावर आई स्क्वेयर माइनस वन है, आई रेस टू फोर प्लस वन है, तो ये भी जो आपको आई रेस टू एन है ये आपका हमेशा वास्तविक मिलेगा क्योंकि एन यहाँ सम संख्या है। तो ये आपने देखा इंटीग्रेशन ऑफ ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस, अभिजगणितीय फलन या अभिजी फलन साइन रेस टू एन एक्स कॉस रेस टू एन एक्स का इंटीग्रल जबकि एन आपका ऑड नंबर है या इवन नंबर है। ये न्यूमेरिकल एग्जांपल में सिचुएशन देख के हमें इंटीग्रेट करना होता है, जिसे आपसे कहा जाए इंटीग्रेट साइन रेस टू सेवन एक्स। ओके, तो साइन रेस टू सेवन एक्स क्या होगा कि साइन रेस टू सेवन एक्स अब आपको यहाँ दिख रहा है इसलिए कि इसमें से हम एक साइन एक्स निकाल सकते हैं, इसे लिख सकते हैं साइन एक्स टू सिक्स एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स। साइन एक्स किस कंटिगल है, कॉस एक्स का है, इसलिए हमें सब्स्टिट्यूशन लेना चाहिए, प्रतिस्थापन लेना चाहिए कॉस एक्स इक्वल टी। ओके, सो दिस इंप्लाइज माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल डी टी। ये वैल्यूज आप यहाँ रख सकते हैं, ये साइन एक्स को लिख सकते हैं वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होल क्यूब इंटू साइन एक्स डी एक्स। वन माइनस कॉस स्क्वायर दैट इज साइन स्क्वायर और साइन स्क्वायर इज टू थ्री दैट इज साइन इज टू सिक्स एक्स। सो वैल्यूज रख दीजिए यहाँ कॉस एक्स इक्वल टी, सो दिस इज वन माइनस टी स्क्वायर होल क्यूब और माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल डी टी, ये हो गया माइनस डी टी, ये माइनस आपने साइन बाहर लगा दिया इंटीग्रेंट के इंटीग्रल के, सो माइनस इंटीग्रल आप अब इसको इंटीग्रेट इसको आप पहले ब्रेक कर लीजिए ए माइनस बी होल क्यूब दिस इज ए क्यूब माइनस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर प्लस बी रेस टू थ्री, तो टी स्क्वायर रेस टू थ्री दैट इज टी रेस टू सिक्स डी टी। आपका इंटीग्रेशन बहुत आसान हो गया यहाँ से, माइनस वन का इंटीग्रल देखिए इंटीग्रल ऑफ वन, वन क्या है आपका दिस इज टी रेस टू जीरो, तो इंटीग्रल ऑफ टी रेस टू जीरो विथ रिस्पेक्ट टू टी इज टी रेस टू जीरो प्लस वन बाई जीरो प्लस वन दैट इज टी। इसके लिए आपको बेसिक फार्मूला है जो आपने पहले देखे हुए हैं कि इंटीग्रल ऑफ साइन रेस इंटीग्रल ऑफ एक्स रेस टू एन इज एक्स रेस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। सो इंटीग्रल वन इंटीग्रल ऑफ वन इज टी, इंटीग्रल ऑफ टी स्क्वायर इज टी क्यू बाई थ्री प्लस इंटीग्रल ऑफ टी रेस टू फोर इज टी रेस टू फोर प्लस वन बाई फोर प्लस वन दैट इज फाइव प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टी रेस टू सिक्स इज इंटीग्रेशन ऑफ टी रेस टू सेवन बाई सिक्स। आपने देखा होगा कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं ले रहे हैं, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन मतलब समाकलन का अच्छा स्टैंडर्ड केसेस में जो हम कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को समाकलन के अचर को छोड़ सकते हैं, इसलिए हमने जितने भी प्रॉब्लम्स अभी किए हैं उनमें कहीं भी हमने कॉन्स्टेंट नहीं लिया है। तो अब यहाँ टी को रख दीजिए, टी क्या है टी इज कॉस एक्स, सो कॉस एक्स क्या रखेंगे सो दिस इज माइनस कॉस एक्स माइनस टी क्यू दैट इज कॉस क्यूब एक्स प्लस थ्री बाई फाइव कॉस एस टू फाइव एक्स प्लस कॉस एस टू सेवन एक्स बाई सेवन, दिस इज योर आंसर। ओके, तो अब ऐसे बहुत से प्रॉब्लम्स होंगे, कॉस एस टू सिक्स एक्स है तो उसको दूसरे तरीके से में करना होगा, जैसे आप देखें कि कुछ एग्जांपल हम ले सकते हैं उनको एक्सपांड भी करना पड़ेगा। इसमें दूसरे केसेस भी हैं, जैसे चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं कि इंटीग्रेट कॉस इज टू फोर एक्स, तो इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स, अब यहाँ देखें कॉस इज टू फोर एक्स इवन पावर है तो पहले तो आप इसलिए स्क्वायर के फॉर्म में लिखें जो हमने वहाँ चर्चा की थी कि कॉस स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर, यदि पावर फोर की जगह बहुत बड़ी पावर होती तो डिमेवर थ्योरम हम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ से सॉरी
हमने इसको गलत लिखा है, दिस इज कॉस स्क्वायर होल स्क्वायर, कॉस स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर। आपने देखा है वन प्लस कॉस एक्स इज टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू। ओके, एंगल को हम डबल कर दें तो एक्स की जगह टू एक्स रिप्लेस कर दें तो वन प्लस कॉस टू एक्स इज टू कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ आप रख दें कॉस स्क्वायर एक्स के लिए कि वन प्लस कॉस टू एक्स बाई टू होल स्क्वायर आर वी में राइट वन अपॉन फोर इंटीग्रेशन ऑफ वन प्लस टू कॉस टू एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, सॉरी कॉस स्क्वायर टू एक्स। वन को हम डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं, सो दिस इज वन बाई फोर इंटीग्रल डी एक्स वन इंटू डी एक्स प्लस वन बाई फोर इंटू टू दैट्स वन बाई टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टू एक्स, ये भी डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं प्लस वन बाई फोर कॉस स्क्वायर टू एक्स, इसे इंटीग्रेट करना है। तो दिस वन बाई फोर एक्स प्लस वन बाई टू इंटू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टू एक्स इज साइन टू एक्स बाई टू प्लस वन बाई फोर अगेन। अब चूंकि फिर से स्क्वायर आ गया है इसलिए हम फिर से इसको स्क्वायर को ब्रेक करेंगे। फार्मूला वही है वन प्लस कॉस एक्स इज टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, जिससे लिख सकते हैं वन प्लस कॉस फोर एक्स बाई टू डी एक्स। सो दिस इज वन बाई फोर एक्स प्लस वन बाई फोर साइन टू एक्स प्लस वन बाई एट, ब्रेक कर लेते हैं इंटीग्रल डी एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ कॉस फोर एक्स डी एक्स। तो ये आपको इंटीग्रल मिला एक्स बाई फोर प्लस साइन टू एक्स बाई फोर प्लस इंटीग्रल ऑफ इंटीग्रल डी एक्स इज एक्स सो एक्स बाई एट प्लस इंटीग्रल ऑफ कॉस फोर एक्स इज साइन फोर एक्स बाई फोर, और पहले से आपके पास एट है तो ये हो आपका टू एक्स बाई एट प्लस साइन टू एक्स बाई फोर प्लस वन बाई थर्टी टू साइन फोर एक्स। तो यहाँ आपने देखा कॉस की पावर छोटी है इसलिए हमने इसको वन प्लस कॉस थीटा इज टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू इस फॉर्म में चेंज करके हमने इसको इंटीग्रेट किया। तो यहाँ हम देखेंगे ये आपको मिलेगा टू एक्स नहीं, ये मिलेगा थ्री एक्स। ओके, एलसीएम लेंगे ना आप तो एलसीएम होगा एक्स बाई फोर ये एट होगा तो ये मिलेगा टू एक्स प्लस वन एक्स दैट इज थ्री एक्स। तो आवर आंसर इज दिस। सो इस प्रकार के केसेस को हम ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले के उपयोग से इंटीग्रेट कर सकते हैं। कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जहां हमें कोई फार्मूले की जरूरत नहीं, डायरेक्ट हम प्रॉब्लम को समझते हैं और फिर हम उसको इंटीग्रेट करते हैं। तो ऐसे बहुत से प्रॉब्लम्स आएंगे न्यूमेरिक, दूसरे तरीके भी हैं प्रॉब्लम्स को करने के लिए। जैसे मान लीजिए आपको इंटीग्रेट करना है इंटीग्रेशन ऑफ एग्जांपल ही हमने कि साइन एम एक्स इंटू साइन एन एक्स इसको इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ से पावर नहीं है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। तो आपने देखा कि यदि इसको हम ट्रिग्नोमेट्री की नज़र से देखें तो साइन ए साइन बी है, और साइन ए साइन बी किस फार्मूले में आता है, कॉस ए प्लस बी में आता है और कॉस ए माइनस बी में आता है। सो कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी, इन फार्मूलों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दें हम तो आपको मिलेगा टू साइन ए साइन बी। ये फार्मूले भी हमने लेक्चर वन में सब सीखे थे बच्चों, जो हमने मैथमेटिकल अप्रोच वाले लेक्चर्स देखे थे। तो कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी इज टू साइन ए साइन बी। तो यहाँ पर देखें ए इक्वल एम एक्स है और बी इक्वल एन एक्स है, हम इसको टू से मल्टीप्लाई कर देते हैं और टू से
डिवाइड कर देते, दिस इज़ वन बाई टू, तो टू साइन ए साइन बी इज कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, सो दिस इज कॉस एम एक्स माइनस एन एक्स माइनस कॉस एम एक्स प्लस एन एक्स, ओके दिस इज डी एक्स। तो बिल्कुल आसान हो गया क्वेश्चन, ये कॉस एम एक्स का इंटीग्रल साइन एम एक्स बाई एम, तो यहाँ मल्टीप्लाई एम माइनस एन है, तो कॉस एम माइनस एन एक्स का इंटीग्रल साइन ऑफ एम माइनस एन इंटू एक्स अपॉन एम माइनस एन माइनस साइन एम प्लस एन एक्स बाय एम प्लस एन, तो दिस इज योर आंसर। तो क्वेश्चंस देख के हमें समझना होता है कि किन तरीके से क्वेश्चंस को हम इंटीग्रेट ज़्यादा आसानी से कर सकते हैं। प्रोडक्ट फॉर्म में भी बहुत से क्वेश्चंस हो सकते हैं, और एग्जांपल आप देखें कि इंटीग्रेशन आप साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स, तो यहाँ से आप देखते हैं कि कॉस की पावर ऑड है, और यहाँ से हम एक कॉस निकाल सकते हैं जो कि इंटीग्रल किसका होगा, जो कि डिफरेंशियल होगा साइन का। देखिए आप इसको इंटीग्रेट कर देंगे कॉस एक्स को, तो इंटीग्रल क्या आएगा कॉस एक्स का इंटीग्रल साइन एक्स, तो यहाँ आप सब्स्टिट्यूशन ले लें कि साइन एक्स इक्वल टी, ओके। तो यहाँ से आप देखेंगे साइन स्क्वायर दैट इज टी स्क्वायर, कॉस स्क्वायर दैट इज वन माइनस साइन स्क्वायर दैट इज वन माइनस टी स्क्वायर, और साइन एक्स को टी लिया, सो कॉस एक्स डी एक्स इक्वल डी टी, सो दिस इज डी टी, आ इसको हम मल्टीप्लाई कर दें, सो दिस इज टी स्क्वायर माइनस टी इज टू फोर डी टी, सो इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर इज टी क्यू बाई थ्री माइनस टी इज टू फाइव बाई फाइव, टी को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए वापस, टी इज साइन एक्स है, सो दिस इज वन बाई थ्री साइन क्यू एक्स माइनस वन बाई फाइव साइन इज टू फाइव एक्स। तो आपने इसके तरीके भी देखे निकालने के, लेकिन आप देखेंगे कि ऐसे क्वेश्चंस में आपको एकदम समझना चाहिए कि डी एक्स का जो कोफिशियंट है, यहाँ डी एक्स का कोफिशियंट है कॉस एक्स, इसको यदि हम डी एक्स का कोफिशियंट कॉस एक्स, ये डिफरेंशियल है साइन का, इसे साइन को हम टी ले लें, क्योंकि बाकी पावर्स को हम साइन के फॉर्म में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम और भी ट्रांसडेंटल फंक्शंस के इंटीग्रेशन देखेंगे बच्चों, ओके थैंक यू।